हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल पॉकी फेमस पर। इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं क्या होने वाला है एपिसोड 38 पर। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना, और अभी तक अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो पर लाइक हम रखते हैं 100 लाइक। तो यहाँ पर वीडियो एपिसोड शुरू होता है कहारू के साथ। तो कहारू को मिलता है होमवर्क, जिससे उसको होमवर्क करना है फॉसिल पोकेमॉन के ऊपर। बट उसको कोई भी आइडिया नहीं है फॉसिल पोकेमॉन क्या होता है, कैसे होता है। तो इसलिए जो प्रोफेसर सरिस है वो कहारू को बोलता है, तुम जाओ फॉसिल पोकेमॉन के एग्जीबिशन पर जाके सब कुछ पता कर किया, और मुझे भी कुछ डाटा तो मिल जाएगा, तो जाके फॉसिल पोकेमॉन के एग्जीबिशन देख के आओ। तो ऐश को एंड कहारू आ जाते हैं उस फॉसिल पोकेमॉन का एग्जीबिशन पर, और उस एग्जीबिशन पर ऐश एंड गो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट कहारू बिल्कुल भी ज़्यादा एक्साइटेड हो नहीं देखने को मिलता है। तो फॉसिल ढूंढना शुरू कर देते हैं ऐश गो एंड कहारू, और उसमें गलम भी हेल्प करता है गो को। गो अपना तीनों पोकेमॉन के साथ शुरू करता है फॉसिल पोकेमॉन को ढूंढने के लिए, बट उन तीनों पोकेमॉन के साथ गो को भी कुछ भी नहीं मिलता है, बट उन लोगों ने ढूंढना नहीं छोड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कहारू है, उसको एक फॉसिल मिलता है जो एक रॉक को तोड़ता है। उस रॉक के अंदर उसको एक फॉसिल मिल जाता है, और वो फॉसिल से वो पोकेमॉन को लाइव कर सकता है। और वो फॉसिल आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। आज का पोकेक्विज भी है, ये कौन सी पोकेमॉन का फॉसिल है, तो जरूर पोकेक्विज का आंसर दे देना एंड शॉर्ट आउट भी ले लेना। फॉसिल बहुत ही अच्छे एंड गुड कंडीशन पर होता है, तो इसके मदद से कहारू अपना इस फॉसिल को एक पोकेमॉन बना सकता है। बट इसी वक्त आ जाता है एक मिस्टीरियस पोकेमॉन, और जो आके अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ये और कोई नहीं, ये है एरोडक्टल। आप शेष रहे एपिसोड 38 पर हम सभी लोग एरोडक्टल को देखने वाले हैं, और एरोडक्टल बहुत बड़ी तबाही मचाने वाले हैं। तो एरोडक्टल आके डायरेक्टली गो को अटैक कर देते हैं, बट उस समय ऐश गो को सावधान करता है, बट गो को समझ में नहीं आता है। तो ऐश गो को पीछे धक्का देता है, और एरोडक्टल उसको नहीं मार पाए। तो इसी समय हम सभी लोग ये देखते हैं, हो सकता है कि ये स्टोरी गो एंड एरोडक्टल के बीच में हो, और ये भी हो सकता है कि यही स्टोरी ऐश के साथ और एरोडक्टल के साथ हो, क्योंकि देखो ऐश का फेस बहुत ज़्यादा रूड एंड बहुत ही सीरियस दिखाई दे रही है, और गो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। बट उसके बाद हम सभी लोग देखते हैं गो एक चीज़ हाथ में पकड़ी हुई है, और उसका फेस बहुत ज़्यादा चमका रहा है। तो इससे बीच हम सभी लोग वो स्टोन देखते हैं, और ये हो सकता है एक फॉसिल, और ये भी हो सकता है कि एक एरोडक्टल का फॉसिल हो, और उस एरोडक्टल को अलाइव किया है गो एंड ये अंकल, जिसका मुंह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस अंकल पहले ही गो एंड जो कहारू एंड ऐश को बताया था, अगर तुम्हें कोई फॉसिल मिलता है तो उस फॉसिल से तुम बहुत ही बढ़िया एक पोकेमोन को क्रिएट कर सकते हो, अगर वो फॉसिल अच्छी हो तो। तो वो फॉसिल से जो को फॉसिल मिलता है, उस फॉसिल से जो एरोडक्टल है उसको क्रिएट करता है। तो आपको कैसा लगा इस अपडेट और समरी, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हैव ए नाइस डे, गुड बाय, एंड अपना भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। Oh,